नमस्कार, सुबह की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। लॉकडाउन में टूट रहा मजदूरों का सब्र, सूरत से लुधियाना तक प्रदर्शन, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज। लॉकडाउन में शराब पीकर शख्स ने घर में की मारपीट, पत्नी बेटी ने की आत्महत्या। किराए पर कंफ्यूजन जारी, मजदूरों ने कहा पैसा लिया लेकिन केंद्र कर रहा है मना। आशुतोष शर्मा के बाद यूपी के अश्वनी यादव वतन के लिए हुए शहीद, गाजीपुर में गम। दिल्ली में आज से शराब महंगी, एमआरपी पर 70% लगेगी स्पेशल कोरोना फीस। मुंबई से यूपी आए मजदूर बोले हमसे लिया गया टिकट का 740 रुपए। आज से गाजियाबाद में भी खुलेंगी शराब की दुकानें, मिलेगी कई छूट। कोरोना से हुए नुकसान पर आज नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से चर्चा करेंगे राहुल गांधी। किराए विवाद पर जावड़ेकर का जवाब, कहा सब कांग्रेस की राजनीति। कोरोना संकट के बीच अब जेएनयू में होगा गीता सार, इससे पहले रामायण पर हुई चर्चा। उज्जैन में कोरोना वायरस से हालात गंभीर, शिवराज सरकार ने कलेक्टर को हटाया। लड़े मजदूरों को गमछा लूंगी और मच्छरदानी दे रही है बिहार सरकार, रमजान का भी इंतजाम। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी और राहुल गांधी की बातचीत, देश की अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा। गाजियाबाद में जहरीली शराब पीकर 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। दिल्ली में कोरोना टैक्स से 70% महंगी हुई शराब, दुकानों के बाहर सुबह से ही लगी लंबी कतारें। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला एएसआई गिरफ्तार। दिल्ली में एपीजे स्कूल के 2 ब्रांड सील, बच्चों से ज्यादा फीस वसूलने का है आरोप। दिल्ली में मास्क के नाम पर झगड़ा, कैंची से फैक्ट्री मालिक के बेटे का कत्ल। लॉकडाउन में कार पर लिखा था दिल्ली सरकार, ड्राइवर कर रहा था शराब की तस्करी। त्रिपुरा में 2 बच्चे समेत 13 लोग कोरोना संक्रमित, सभी मामले बीएसएफ से जुड़े। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर हुए 4,898, 24 घंटे में 349 नए मामले। आगरा में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 621। दिल्ली में आज से शराब महंगी, सरकार ने एमआरपी पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाई। बुलंदशहर में पैसे मांगने पर फावड़े से काटकर किसान की निर्मम हत्या, आरोपी फरार, सियाना कोतवाली के महाव की यह घटना। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 30% अतिरिक्त वैट लगाने का किया ऐलान। कोरोना वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में 3900 नए केस मिले, 195 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना फंड पर किस-किस विधायक ने सीएम नीतीश से वापस मांगे अपने 50 लाख। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 46,000 के पार, अब तक 1,568 की मौत। लॉकडाउन के बीच यूपी में 100 करोड़ से ज्यादा की बिकी शराब, सोमवार को खुली थी 805 दुकानें। राहुल गांधी से संवाद में अभिजीत बनर्जी बोले भारत को प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत, जो अब तक नहीं हुआ। बिहार में लॉकडाउन में गुजरात से 1208 प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची मुजफ्फरपुर। ओडिशा में 1 कोरोना पॉजिटिव केस मिला, राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 170। कोरोना वायरस से भारत में अब तक 1389 लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1024 लोगों की मौत। भारत में अब कोरोना वायरस के 2,09,685 एक्टिव केस। राहुल गांधी आज नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बात। राहुल गांधी आज नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं बात। केरल के कोचिकोड में प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन कर भेजने की मांग। राजस्थान के नागौर से झारखंड के 905 मजदूर बरकाकाना स्टेशन पहुंचे। सिंगापुर में कोरोना वायरस के 573 नए मामले आए सामने। गाजियाबाद में शराब के बदले सैनिटाइजर पीने से 2 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक बार फिर आतंकियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच मुठभेड़, 3 जवान हुए शहीद। इंदौर में सोमवार को कोरोना वायरस के 43 नए मामले आए सामने। पंजाब में सोमवार को कोरोना वायरस के 132 नए मामले आए सामने। डीएसपी देवेंद्र सिंह केस में पूर्व सरपंच तारिक मीर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 11 मौतें, मौतों का कुल आंकड़ा 61 पार। भारत की पाकिस्तान की 2 टूक, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा, खाली करो। कोरोना के चलते अमेरिका में 24 घंटे में 1015 ने गवाई जान, 1 महीने में सबसे कम मौतें। कांच के टेबल पर गिरे सिविन नारंग, हाथ में गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। जब महाभारत के भीष्म ने की एकता कपूर की आलोचना, दुर्योधन ने दिया जवाब। मिशेल ओबामा की डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज, 6 मई को नेटफ्लिक्स पर आएगी। एकता कपूर ने इंस्टा पर शेयर की पुरानी तस्वीर, साथ दिखा पूरा परिवार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।